ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास, पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम के खाते में आया पदक, लंबे इंतजार के बाद मिली कामयाबी। भारत ने जर्मनी को हराया 5-4 से धीमत। मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे, पहले क्वार्टर में हावी रहा जर्मनी। दूसरे हाफ में भारत ने जबरदस्त वापसी की, हार्दिक और उपेंद्र पाल ने भी किया 1-1 गोल। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, जीत को कहा ऐतिहासिक, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा, प्रफुल्लित भारत, गर्वित भारत। अमित शाह ने कहा हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण। हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है ओडिशा सरकार, नवीन पटनायक ने लिखा पीढ़ियों तक मिलेगी प्रेरणा। राहुल गांधी ने हॉकी टीम को दी बधाई, लिखा पूरे देश को आपकी कामयाबी पर गर्व। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा कप्तान मनप्रीत सिंह सहित पूरी टीम पर देश को गर्व। हॉकी टीम की जीत पर जलंधर में जबरदस्त जश्न, मनप्रीत के घर पर ढोल नगाड़ों से झूमे लोग। गोलकीपर सृजेश का भी जीत में अहम योगदान, पदक जीतने के बाद घर में की बात। जलंधर में खिलाड़ी वरुण के घर पर जश्न का माहौल, बेटे की कामयाबी से मां कुंतला देवी बेहद खुश। हॉकी टीम में मणिपुर के खिलाड़ी हैं नीलकंठ शर्मा, यहां भी जीत का जश्न मन रहा है। अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज हॉकी टीम की जीत पर झूमे, भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जीत के बाद टोक्यो में जबरदस्त जोश में खिलाड़ी बेहद भावुक नजर आए। वाराणसी के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय, पिता ने की थी जीत के लिए पूजा। हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के घर त्योहार जैसा माहौल, अमृतसर में गुरचरण सिंह के घर पर बधाइयों का तांता। हॉकी टीम की जीत पर देश भर में खुशी, जम्मू में हॉकी खिलाड़ियों का जश्न। शाहरुख खान ने किया ट्वीट, बेहद रोमांचक मैच, हॉकी टीम को बधाई। कोलकाता में लहराए गए तिरंगे और उड़े गुलाल, लोगों को हॉकी टीम की जीत का मनाया जश्न। कानपुर में हॉकी टीम की जीत पर मनी दिवाली, जमकर आतिशबाजी। पूरा देश रंग गया है हॉकी के रंग में, बरसों बाद लौटी राष्ट्रीय खेल की शान। भुवनेश्वर में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्के ने दी बधाई, जीत को बताया ऐतिहासिक। ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने कहा भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त प्रदर्शन। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार, पेगासस और कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, पेगासस पर चर्चा की मांग। कल टीएमसी के राज्यसभा सांसदों ने की थी मार्शलों से धक्का मुक्के, दिनभर के लिए निलंबित किए गए थे टीएमसी के 6 सांसद। घटना के बाद शाम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और पीयूष गोयल की बैठक, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को दी गई जानकारी। राज्यसभा सचिवालय ने घटना का वीडियो भी सभापति को सौंपा, वेंकैया नायडू आज ले सकते हैं टीएमसी सांसदों पर फैसला। जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट के सामने 9 अर्जियां। पाकिस्तान जासूसी कांड और किसान आंदोलन के मसले पर संसद में नहीं बन रही है बात, बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष। 14 विपक्षी दलों के 18 नेताओं ने जारी किया संयुक्त बयान, संसद में हंगामे के लिए सरकार पर गुमराह करने का आरोप। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे, जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा ने मनाया जश्न। गुपकार कमेटी ने जारी किया बयान, संविधान पर हमले के 2 साल पूरे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। यूपी के चुनावी समर में आज समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव, योगी सरकार के खिलाफ सभी जिलों में निकालेंगी साइकिल रैली।
लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे अगुवाई, पार्टी दफ्तर में निकालेंगे साइकिल मार्च। लखनऊ में जनेश्वर पार्क तक जाएगी अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा, जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। करीब 6.5 किलोमीटर की होगी साइकिल यात्रा, डिंपल यादव ने दिखाई हरी झंडी। मायावती ने किया ट्वीट, श्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित। लखनऊ में बाबा साहेब के नाम पर बने पार्क का एसपी ने नाम बदलकर किया जनेश्वर पार्क। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अयोध्या में बन रहे मंदिर के गर्भगृह में दिसंबर 2023 तक विराजमान हो जाएंगे रामलला। 2025 तक पूरा होगा राम मंदिर के निर्माण का काम, लेकिन 2023 से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आज पूरा हो रहा है राम मंदिर के शिला पूजन का एक साल, अयोध्या पहुंच रहे हैं यूपी के सीएम योगी। खास दिन के लिए अयोध्या पहुंची रामलला के लिए डिजाइनर पोशाक श्री राम तीर्थ क्षेत्र ने कराया है तैयारी। अयोध्या रवानगी से पहले गोरखपुर में थे सीएम योगी, पालतू कुत्तों के साथ खेलते आए नजर। कोविड टेस्ट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 800 की जगह 500 में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। मुंबई में बीएमसी की बड़ी पहल, आदिवासियों के लिए अलग से लगाया वैक्सीनेशन कैंप। जैसलमेर में श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ रामदेवड़ा मंदिर, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी खुशी। 23 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही होगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के लिए बढ़ाई सख्ती, बिना नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, 24 घंटे में 95,000 लोगों ने लगवाया टीका। दिल्ली हाट में 7वें हैंडलूम डे का आयोजन, एनडीए की महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। दतिया की बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र, करना पड़ा एयरलिफ्ट। राजस्थान के पाली में दिल दहलाने वाला हादसा, तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में एक्टिव हुआ वन विभाग, अरावली इलाके में बने फार्म हाउस बैंक्वेट हॉल को नोटिस। शिवपुरी में बारिश की वजह से टूटी 4 लेन हाईवे की सड़क, आवाजाही में बाधा। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार जारी है बारिश का कहर, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर लोग। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवपुरी श्योपुर और दतिया का किया हवाई सर्वे। प्रयागराज में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसने लगा बाढ़ का पानी। पटना में कल भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से बेहाल हुए लोग। मुजफ्फरपुर में भारी बरसात ने किया बेहाल, ऑफिस से अस्पताल तक टापू में तब्दील। 10 घंटे से हो रही बारिश ने बढ़ाई मोतिहारी की मुश्किलें, कई इलाकों में 2 फीट तक जमा हुआ पानी। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर है चंबल नदी, 12 गांवों में भरा पानी। सवाईमाधोपुर में 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश का बालक भरा बांध। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है बोल्डरों का गिरना, रास्ते में फंसे हैं सैकड़ों लोग। कोलकाता के कई इलाकों में दिखा था जल जमाव, भारी ट्रैफिक में घंटों सड़क पर परेशान हो रहे लोग। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पानी में फंस गई बस। ममता बनर्जी ने किया हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, भारी बारिश की वजह से गंभीर है हालात। दुर्गापुर में भारी बारिश से रास्ता बंद, आने जाने में लोगों में बढ़ रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माहौर नदी में जबरदस्त बाढ़, 4 लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। अदालत ने खारिज की आजम खान की जमानत याचिका, पिछले साल फरवरी से सीतापुर की जेल में बंद है समाजवादी पार्टी के सांसद। फतेहपुर में एआईएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई को लेकर विरोध। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका कर्मचारियों का हंगामा, रुके हुए वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर का घेराव। फरीदकोट में 50 दिन से हड़ताल पर है डॉक्टर, मरीजों की लगातार बढ़ रही है मुसीबतें। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी को बड़ी कामयाबी, 686 करोड़ की ड्रग्स बरामद। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से ढह गई दीवार, मलबे में दबकर एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। हरदोई में युवक का तमंचा लेकर धमकाने का वीडियो वायरल, पुलिस अधिकारियों ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। बिहार के जमुई में 8 साल के बच्चे की हत्या, अंधविश्वास के चलते एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर के वेरका में शव मिलने से सनसनी, गला घूंट कर किया गया था कत्ल। मुख्तार अंसारी गैंग के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, 42 लोगों के 45 हथियार, लाइसेंस को निलंबित किया गया। बिहार के नालंदा में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत, जमीनी विवाद में गई जान।
बिहार के सहरसा के सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में बच्चे का इलाज, 45 मिनट तक मूक दर्शक बना रहा अस्पताल प्रशासन। राजस्थान के टोंक में बरसाती नाले में डूबकर एक युवक की मौत, 3 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने निकाला लाश। बाराबंकी में 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमीन को लेकर हुई वारदात, 3 लोग जख्मी। अजमेर में तरगाह बाजार के गेस्ट हाउस से मिली सड़ी गली लाश, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगेगी फीस। सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में लगातार 4वें महीने कमजोरी का माहौल, जुलाई में 45.4 रहा सर्विसेज पीएमआई। खंडवा में मनाया गया किशोर कुमार का जन्मदिन, बड़ी तादाद में प्रशंसकों ने समाधि पर चढ़ाया दूध और जलेबी का भोग। किम जोंग की सेहत को लेकर फिर तेज हुई अटकलें, सिर पर नजर आया गहरा निशान। पेंटागन की इमारत के बाहर एक मेट्रो बस स्टेशन पर हुई हिंसा में एक अधिकारी की मौत, गोलीबारी में मारा गया था हमलावर।